पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा में जमकर बवाल मचा। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना देखने को मिली। पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए लाठी चार्ज तक का सामना करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला और दो बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। इस बीच इलाके में अभी भी तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है ताकि कोई घटना ना घटे। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीते दिन रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान यहाँ क्या क्या हुआ। बुधवार के दिन रामनवमी के अवसर पर देश भर में कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी खबर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ रामनवमी के मौके पर जमकर उत्पात मचा। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर स्थित शक्तिपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा की बात सामने आ रही है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई और लोगों ने अपनी छतों से पथराव करना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि शक्तिपुर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, और ऐसी घटना केवल मुर्शिदाबाद में ही नहीं बल्कि शक्तिपुर के अलावा माणक्यहार इलाके में भी देखी गई। माणक्यहार इलाके में कई दुकानों में लूटपाट हो गई। उपद्रवियों पर रामनवमी जुलूस पर हमले करने का आरोप लगा। शक्तिपुर में घर की छतों से उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया, जिसके बाद मामला बढ़ गया और उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यही हाल मेदिनीपुर में भी देखने को मिला। बताया गया कि पूर्वी मेदिनीपुर में इस तरह की झड़प देखी गई। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में आज 4 लोग घायल हो गए, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि शोभा यात्रा पर पथराव किया, पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले दागे। आखिर क्यों? अब कई इलाकों में इस घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल में विपक्ष के नेता सुविंद्र अधिकारी ने कहा कि प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया। लेकिन ताजुब है कि इस बार ममता सरकार की पुलिस भी इन शरारती तत्वों के साथ मिल गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागने लगे। जाहिर है कि पिछले साल भी बंगाल में रामनवमी समारोह में हिंसा हुई थी, जिससे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।